एक्स्ट्रा टाइम। कश्मीर से आए अब्दुल समद के लिए कल बहुत ही इमोशनल दिन था जब सनराइजर्स हैदराबाद के असिस्टेंट कोच ब्रैड हैडन ने दिल्ली कैपिटल्स के मैच के पहले उनको उनका प्लेइंग कैप दिया। 18 साल के अब्दुल समद कश्मीर से आए तीसरे क्रिकेटर हैं जो कि आईपीएल खेल रहे हैं। इसके पहले रसीख सलाम और परवेज रसूल आईपीएल खेल चुके हैं। सलाम मुंबई इंडियंस के लिए एक मैच खेले हैं जबकि परवेज रसूल क्वाइट रेगुलर थे पुणे वॉरियर्स इंडिया के टीम में। अब्दुल समद ने टीम में बैट्समैन रिद्धिमान साहा को रिप्लेस किया था। दैट वाज द ओनली चेंज फ्रॉम द लास्ट गेम। रजौरी से आए अब्दुल समद सबकी नजर में तब आए जब उनके हार्ड हिटिंग के फैंस बढ़ते गए। उनका डोमेस्टिक सीजन बड़ा आउटस्टैंडिंग था। लास्ट ईयर उन्होंने 600 रन किए थे जिसमें 3 सेंचुरीज शामिल थी और सबसे ज्यादा जरूरी बात उन्होंने 36 छक्के मारे थे ऑल थ्रू द सीजन, द मोस्ट बाय एनीवन। और उनके इस कारनामे की वजह से जम्मू कश्मीर की टीम लास्ट ईयर क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची थी रणजी ट्रॉफी में। T20 बैटिंग एवरेज इनका 40 है और ये लेग ब्रेक बॉल भी करते हैं। सबसे पहले इनको इरफान पठान ने नोटिस किया था जब एक कैंप लगा हुआ था कश्मीर में रणजी ट्रॉफी टीम सिलेक्शन के पहले। पठान ने देखा कि ये यंगस्टर एक्सपीरियंस प्लेयर से भी ज्यादा बेहतर खेल रहा था और फिर जम्मू कश्मीर के लिए T20 डेब्यू आया इनका 2018-19 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में और उसी साल इनका रणजी ट्रॉफी डेब्यू भी हुआ। जब ये बैटिंग करने आए, हालांकि ये 7 बॉल ही खेल पाए थे अपने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, लेकिन इस 7 बॉल के भीतर उन्होंने एक छक्का भी मारा था एंड्रिश नॉजे के बॉल में। 7 बॉल्स खेलकर इन्होंने 12 रन बनाए और ये नॉट आउट रहे अपने पहले मैच में फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। लेट्स होप कि ही बिकम्स एन इंस्पिरेशन फॉर फेलो क्रिकेटर्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.